नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं दिव्यांशु। राजधानी पटना में पुलिस ने सातिर चोरों के गिरोह को पकड़ा है और ये सातिर चोर पटना में अलग अलग थाना क्षेत्रों में लूट, छीनतनई और वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। लुटेरा गिरोह के 7 सक्रिय सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर आलमगंज थाना क्षेत्र के दुर्गाचरण लेन में छापेमारी कर लुटेरा गैंग को मुख्य सरगना वरुण कुमार को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी के पास से लूट का एक मोटरसाइकिल, एक स्कूटी के अलावा एक मोबाइल भी बरामद किया है। बताया जाता है कि लुटेरा गिरोह के सदस्यों द्वारा पिछले 2 महीने में ही लूट, छीनतनई और वाहन चोरी की दर्जनों घटनाओं को अंजाम दिया गया था। पटना सिटी के पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पटना सिटी के सहायक पुलिस अधीक्षक शरद आरएस क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। सिटी अनुमंडल और बगल के अनुमंडल में लगातार लूट, छिनताई और वाहन चोरी का घटना रिपोर्ट कर रहे थे। इसका रोकथाम और अभियुक्तों का गिरफ्तारी के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया, जो SHO आलमगंज राजीव कुमार के निगम में काम कर रहे थे। इस पे टीम को सफलता मिली है और जो लूट, छिनताई और वाहन चोरी करने वाला एक गिरोह का खुलासा हुआ है और इस पे से अभी तक 6 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। और इसका जो गैंग लीडर है, इसका नाम वरुण कुमार है, जो दुर्गाचरण लेन बलवरगंज का रहने वाला है, उसको कल गिरफ्तार किया गया है। इसके लीडरशिप में एक गैंग चल रहा था जो लगातार लूट और छिनताई का घटना कई थाना क्षेत्रों में करके आ रहे थे। तो इस गैंग का टोटल अभी 7 लोग गिरफ्तार हो गए हैं और 3 लोगों का भी नाम अभी आया है। उन लोगों का गिरफ्तारी के लिए भी लगातार छापेमारी किया जा रहा है। इस पे से जो खुलासा हुआ है, नदी थाना में एक लूट हुआ था, उसका खुलासा हुआ है और आलमगंज थाने में जो 2 लूट हुआ है उसका भी खुलासा हुआ है। ये जो सेम गैंग द्वारा किया गया है, इस पे घटना में जो यूज़ किया गया मोटरसाइकिल और लूटा हुआ मोबाइल और मोटरसाइकिल दोनों बरामद हुआ है और इन लोगों से, इन गिरोह से पूछताछ करके और टोटल हमारे पास ना 10 मोटरसाइकिल बरामद हुआ है जो चोरी और लूट में लूटा हुआ और लूट में जो यूज़ किया गया है। तो वैसे इस गैंग का खुलासा हुआ है और 7 लोग टोटल गिरफ्तार होकर जेल गया है और इस पर 3 और लोगों का नाम है जिस पर लगातार छापेमारी किया जा रहा है। मुख्य सरगना कौन है? इस पर मेन लीडर अभी जो कल गिरफ्तार हुआ है उसका नाम है जो वरुण कुमार है, जो बेलवरगंज का रहने वाला है। सर, कितने थानों में इसका मतलब रिकॉर्ड क्या क्या रहा है? अभी हमारे पास साक्षी जो मिला है, जो CCTV फुटेज या अन्य जो तकनीकी साक्षी जो है, उसके बेसिस पे हमारे पास आलमगंज का 2 फायरिंग का जो घटना हुआ था उसका खुलासा हुआ है और आलमगंज में एक लूट हुआ था उसका भी खुलासा हुआ है। अगम कुआ थाने में 2 छिनताई का घटना हुआ था उसका खुलासा हुआ। नदी थाना में 2 लूट हुआ है उसका भी इन लोगों का गैंग द्वारा किया गया और खाजी कला में भी 1 लूट हुआ है उसका भी खुलासा हुआ। उस थाने में सर किस तरह से लूट ये लोग करते थे, क्या इस? ये लोग 3-4 लोग मिल के चोरी किए हुए बाइक में निकलते थे और जो रास्ते में दिखता है उसका मोबाइल या जो भी बाइक जो भी मिलता है वो लूट के चला जाते थे। फिर रात के टाइम में करते थे, वो जो हमारा नया जो पुल बना है उधर करते थे, NMCH के साइड और अन्य थाना क्षेत्र में लूट पाट की घटना करते थे। नदी थाने में पैसा का लूट किया था, 25,000 रुपये का, वो भी इस गैंग द्वारा किया गया, उसका CCTV फुटेज में प्रॉपर। कब से ये लोग कर रहे हैं सर? ये लोग पिछले 2 महीने में ये लोग इस घटना का अंजाम दे रहा था। मेनली इस पिछले महीने में ही इन लोगों का ज़्यादा लूट पार्टी करना। सही, सारे लोग सिटी के रहने वाले अन्य क्षेत्रों के लिए? अभी तक जो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो सिटी एरिया का रहने वाला ही है, बट 2-3 और नाम जो आया है वो बाहर के रहने वाले हैं जो इस गैंग का मेंबर है। कुछ हथियार वगैरह भी पकड़े सर? हथियार अभी तक बरामद नहीं हुआ है, उसके लिए अभी छापेमारी की। तो सुना आपने, लुटेरा गैंग के सदस्यों की गिरफ्तारी हुई है, कई कांडों का उद्भेदन भी हो गया है। इसी के साथ ASP ने बताया कि लुटेरा गिरोह के सदस्यों के पास से लूट की 10 मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। ASP की माने तो लुटेरा गैंग के 6 सदस्यों को हाल ही में पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वहीं गिरोह के सरगना की पुलिस को काफ़ी लंबे समय से तलाश थी, जो आज
पूरी हो गई है। तो बड़ी कामयाबी पुलिस को मिली है, लुटेरा गिरोह के सरगना को पुलिस ने भीतर कर दिया है। तमाम अपडेट्स आपको देते रहेंगे। पटना सिटी से मुकेश की ये रिपोर्ट है, बने रहें दर्श न्यूज के साथ।